तो आप सबको पुनः राधे राधे और जैसे कृष्ण मैं जो समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समस्या के बारे में जानकारी मिलेगी और समस्या का निदान उपचार के बारे में आपको हेल्प मिलेगी ठीक है तो आप इस वीडियो में आप प्लीज बने रहें चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं और समस्या क्या है उसके बारे में आपको सब संपूर्ण, संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं आज की जो नॉर्मल समस्या है वो है दांतों में दर्द होना ठीक है दूसरी समस्या है दांतों का पीलापन और तीसरी समस्या है दांतों में मुंह में बदबू आना ये तीन समस्या ऐसी है दांतों की जिसके कारण हम बहुत परेशान रहते हैं लोग बहुत परेशान रहते हैं आज इसी नुस्खे के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहे ठीक है सबसे पहली समस्या क्या थी कि दांतों में दर्द होना अब दांतों में दर्द होना ये बहुत बड़ी समस्या है तो दांतों में दर्द क्यों होता है इस कारण में आपको मैं थोड़ी जानकारी दूंगा आप कृपया बने रहें दांतों में दर्द इसलिए होता है कि जैसे ही आपने कुछ गर्म चीज खाई और तुरंत बाद आपने पानी पिया तो हंड्रेड परसेंट मैं कह रहा हूं कि आपके दांतों में दर्द धीरे धीरे चालू होने लगेगा तो आपको ध्यान रहे गर्म चीज खाती ठंडा पानी आप नहीं पिए चाय पिए रम चीज और उसके ऊपर पानी पी लिया कुल्ला कर लिया तो भी आपको दर्द होना स्वाभाविक हो जाएगा दर्द बहुत भयंकर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा तो आप गर्म चीज खाते ठंडा पानी नहीं पिए दूसरी चीज ठीक है दांतों में दर्द अब है दांतों का पीलापन दांतों का पीलापन क्यों होता है दांत पीले क्यों होते हैं ऐसे दांत मोती जैसे क्यों नहीं चमकते हैं इसका क्या कारण है इसके बारे में आपको बता रहा हूं सुनना दांत इसलिए पीले होते हैं कि आप दोनों टाइम्स सबसे पहली चीज तो दोनों टाइम आप मंजन नहीं करते हो सुबह भी करना और शाम को भी करना दोनों टाइम मंजन करोगे तो आपका दांत कभी पीले नहीं होंगे और बीड़ी तंबाकू सिगरेट गुटखा धूम्रपानों का अगर आप सेवन करते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके दांत पीले पड़ने लगते हैं आप लोगों को देखते होंगे कि दांत कितने पीले होते हैं जो धूम्रपान करता है तो हो सके तो आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए जिससे कि आपका आपके जो दांतों में दर्द है दांतों का जो पीलापन है वो आपको कभी नहीं होगा ठीक है समझ में आ गया अब चलिए मैं और आपको बता रहा हूं कि मुंह में बदबू क्यों आती है देखो बदबू इसलिए आती है मैं सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं एक तो दांतों की सफाई नहीं करेंगे अपन तो बदबू आएगी दूसरा जैसे खाना खाया आपने और मंजन नहीं किया तो मुंह के अंदर रोटी के जो कण होते हैं भोजन के जो कण होते हैं वो अपने मसूड़े में फंस जाते हैं और धीरे धीरे अगर मसूड़े साफ नहीं होंगे मंजन नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे सड़ने लगेंगे अंदर ही अंदर आपको नहीं दिखते हैं और धीरे धीरे वो बदबू का रूप ले लेती है और मुंह में बदबू आना स्टार्ट हो जाती है और दूसरा कारण है बदबू का आपने समय पे भोजन नहीं किया और भोजन आपका सही नहीं पचा तो भोजन सड़ने लगता है तो आपके मुंह के माध्यम से वह बदबू बाहर फेंकता है तो आपको ध्यान रहे समय सही समय पर भोजन करें और भोजन सही समय पर करोगे तो आपको ये बदबू वाली समस्या नहीं होगी ठीक है ये तो मैंने समस्या बता दी अब चलिए इन तीनों की उपाय क्या है कारण कारणों के उपाय क्या है उपचार क्या है घरेलू आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना यह मैं गारंटी से कह सकता हूं चलिए सबसे पहली समस्या थी हमारी दांतों में दर्द होना आपको क्या करना है कि गर्म चीज खाते ठंडा नहीं पीना है तो आपके दांत में दर्द कभी नहीं होगा ये मैं गारंटी से कहता हूं ठीक है अब दूसरी समस्या है दांतों का पीलापन अब मैं आपको दो उपचार बता रहा हूं घरेलू जो दांतों का जो पीलापन है और दांत में जो दर्द है उन दोनों के लिए ये कारागार रहेगा क्या करना है थोड़ा सा नमक लेना है और थोड़ा सा आपको ऑयल लेना है सरसों का दोनों को मिला के दाँतों के पूरे दांतों के अंदर आपको उसको घुमाना है पेस्ट करना है मंजन करना है जिसके कारण आपके दांत में दर्द होना और दांतों का पीलापन धीरे धीरे ये खत्म कर देगा ठीक है समझ में आ गया तो ये दांतों के बहुत ही बड़ा नुस्खा है दूसरा नुस्खा है दो तीन लोंग लेके उसको अच्छा सा कूट देना और उसमें फिर आपको थोड़ा सा ऑयल डालना है सरसों का और उस मिले हुए ऑयल से आपको पेस्ट करना है तो दांत में कितना भी आपका भयंकर दर्द है तो ये मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका दो मिनट में आपके दर्द को खत्म कर देगा ठीक है तीसरा आप अगर कर सको तो मैं आपको और उपाय बता रहा हूं थोड़ा सा आपको तंबाकू लेना है ज्यादा नहीं बिल्कुल गेहूं के दाने के जितना और उसमें गेहूं के दाने के जितना ही आपको राख लेनी है दोनों को मिला के अगर आप दर्द वाले स्थान पर अगर आप मंजन करते हो तो गारंटी से कह सकता हूं कि वो भी आपके दर्द को समाप्त कर देगा तो मैंने आपको दांतों में जो होने वाली हैं इसके बारे में मैंने आपको आज जानकारी दी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं जल्दी ही आपको इसी माध्यम में शरीर में कोई भी समस्या के है उसके बारे में कारण और निदान और उपचार के बारे में नया नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा आज के लिए इतना ही सबको पुनः